हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल चलो पढ़े। आज का जो हमारा सेशन है वो है ट्रिग्नोमेट्री पे। इसको ट्रिग्नोमेट्री जो सेशन हम स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड बना हुआ है वो बना हुआ है ट्राइगोनमेट्री से। ट्राई का मतलब होता है ट्राइंगल, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्री मतलब होता है मीजरमेंट। तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल की साइड और एंगल के हेल्प से कुछ मीजरमेंट करते हैं, उसी मीजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो बेसिकली हमें क्या है, क्या समझने की जरूरत है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है। किसमें अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में। जैसे सपोज क्या है, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, यह ए बी और सी, ये एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तभी इसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक मेजरमेंट अप्लाई होगी। आगे आपको समझ में, ठीक है। अब बेसिकली बच्चों जो हमें ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है वो तो देख लेते हैं। उससे पहले क्या होता है कि हमें एक चीज सीखनी है जो हमने 8th, 7th, 8th क्लास में सीखी हुई है। क्या सीखी हुई है, जिसने सीखी हुई अच्छी बात है, जिसने नहीं सीखी हुई है तो अभी सीख लेते हैं, ठीक है। क्या सीखना है, हमें सीखना है पाइथागोरस थ्योरम। आपको ये पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक होता है हमारा बेस, दूसरा होता है परपेंडिकुलर, और तीसरा क्या होता है, जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। क्या होती है, हाइपोटेनस। तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, इसका यूज होगा। दूसरा एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है बच्चों, वो क्या ध्यान रखनी है कि देखो यहाँ एक साइन का यूज होगा, वो है थीटा। थीटा क्या होता है बेसिकली, तो थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को। और कौन से एंगल को, एक्यूट एंगल को। किसको, एक्यूट एंगल को, यानी 90 को छोड़ के बाकी जो दो एंगल है उसमें आप उसको आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है थीटा कहाँ पर है। अगर सपोज थीटा यहाँ पर है, थीटा कहाँ पर है मतलब एंगल यहाँ पर है, तो इसके साथ लगने वाली जो साइड होगी वो बेस होगी, और अगर ये बेस तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। लेकिन जरूरी नहीं है थीटा ऐसे हो, थीटा ऐसे भी हो सकता है कि अगर थीटा इस यहाँ लग जाए, मतलब थीटा यहाँ पर हो, तो थीटा यहाँ होगा तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। बस आपको इतना सा याद रखना है और जो हमारी पहली एक्सरसाइज है ना वो एकदम मक्खन की तरह हो जाएगी। आगे होगा समझ में, ठीक है। बढ़िया करके आराम से काम पेशेंस फोकस ओके करना है, ठीक है। तो अब पहले ये समझ लेते हैं कि अब मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में मेजरमेंट के लिए कुछ रेशियोज होते हैं बच्चों। आपको तीन मेन रेशियोज याद रखने हैं, एक साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टेन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो दो साइड का रेशियो होता है, किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। जो परपेंडिकुलर है वो वाली साइड और हाइपोटेनस, इन दोनों के रेशियो जो आता है वो साइन थीटा होता है हमारा। ऐसे एक दूसरा रेशियो कॉस थीटा, इसको बोलते हैं बी बाई एच, यानी बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ठीक है। तो अगर ये तीन आपको याद हो गए तो बाकी तीन भी याद हो जाएंगे, टोटल 6 रेशियोज होते हैं। देखो साइन का उल्टा रिवर्स जो होता है, मतलब उल्टा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। अगर साइन थीटा पी बाई एच है तो कॉसेक हो जाता है एच ऊपर और पी नीचे, एच बाई पी। ऐसे कॉस थीटा अगर बी बाई एच है तो इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, तो एच ऊपर और पी नीचे, तो एच बाई पी। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, बी ऊपर और पी नीचे लिखा जाए तो बी बाई पी, ये हमारा कॉट थीटा हो जाता है। इसको आप इस तरीके से याद, आपको क्या करना है, तीन को याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, ठीक है। इसको याद रखेंगे तो इनका रिवर्स आपको याद रखना है, साइन का रिवर्स जो होता है कॉसेक होता है, कॉस का रिवर्स सेक होता है, टेन का रिवर्स कॉट होता है। तो जो भी इसका रेशियो होगा उसका उल्टा कर देंगे सेक आ जाएगा, जो इसका रेशियो उसका उल्टा कर, आगे होगा समझ में आपको बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें, एक पेन पकड़ लें, पेन कॉपी और नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो आपने नोट डाउन करना है कैसे, पॉज करके स्क्रीनशॉट देखिए, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इन्हीं रेशियोज का हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे अभी दो क्वेश्चन लिखे हुए, और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख रहे, इसको इरेज कर दूँ, तो इसको मैंने इरेज कर दिया बच्चों। तो
बच्चों इसको भी इरेज कर दिया, ये इरेज कर दिया। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है और वो राइट एंगल है बी पे, मतलब बी पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ए इधर लिख लो, बी इधर लिखा, तो सी इधर लिख, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो ए बी की वैल्यू है ना वो 24 दे रखी है और जो बी सी है वो बच्चों कितना है 7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन को आगे, तब जब हमको तीनों साइड मिल जाएंगी, तो तीनों साइड कैसे मिलेंगी, तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू तो है नहीं, तो हाइपोटेन्यूस को क्या लिख लेंगे, ए सी लिख लेंगे, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, तो परपेंडिकुलर है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस है 24, तो 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करो तो जरा कैलकुलेट, तो 49 होता है, 24 का स्क्वायर चलाओ दिमाग कितना होता है 576, इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा AC स्क्वायर, स्क्वायर टाइम रूट लगा देंगे तो AC कितना हो जाएगा 625 का रूट कितना होता है 25 होता है, मतलब यहाँ जो हाइपोटेन्यूस है उसको 25 लिख देंगे। आगे होगा समझ, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, साइन ए की वैल्यू बोल रहा है, किसकी वैल्यू बोल रहा है, साइन ए की वैल्यू, ए का मतलब क्या हुआ, एंगल जो है वो ए पे बन रहा है, एंगल किस पे बन रहा है, ए पे, एंगल यहाँ पे बन रहा है, अगर एंगल यहाँ पे बनता है, हमने कहा था कि जब एंगल बनता है यहाँ तो ये वाली साइड हो जाती है बेस और ये हो जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है। साइन का जो फॉर्मूला है वो आप अपनी कॉपी पे देखेंगे, क्या था, पी बाई एस था, तो बताओ पी कितना है यहाँ पे 7 है और बताओ हाइपोटेन्यूस कितना है, तो 25 है बच्चों, तो साइन ए की वैल्यू कितनी 7/25, आसान था। ऐसी आपको कॉस ए की वैल्यू निकालनी है बच्चों, कॉस ए होता है बी बाई एच, बी बेस बताओ कितना है यहाँ पे 24 और हाइपोटेन्यूस 25, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी 24/25, आसान था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब वो कह रहा है सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि हमें ना निकालना है साइन सी की वैल्यू, साइन सी का मतलब क्या है, देखो ट्राइंगल फिर से बना दो, है ना, बना सकते हैं, पेन तो सस्ता ही आता है ना, यूज कर सकते हैं, जितना ज्यादा पेन चलाएंगे ट्रिग्नोमेट्री उतना ज्यादा आएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना है, ये तो है 24, ये कितना है 7 और ये 25 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब वो कह रहा है साइन सी, सी का मतलब क्या हुआ, एंगल सी पे, एंगल सी पे तो थीटा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम साइन सी की वैल्यू निकालते हैं, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, अच्छा अगर एंगल यहाँ हो जाएगा तो ये, तो अगर एंगल यहाँ होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा किसके साथ लग रहा है, इस साइड के साथ, तो बेस कितना हो गया 7 और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर 24 हो जाएगा, परपेंडिकुलर वैल्यू 24 है तो यहाँ पर रख लेंगे, हाइपोटेन्यूस कितना है बच्चों 25, तो साइन सी की वैल्यू कितनी है 24/25। अब जिसको ये समझ आ गया है वो कॉस सी की वैल्यू निकाल देता है, कॉस सी की वैल्यू निकालनी कमेंट करना है, ठीक है, ये खुद करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड में ऐसे दिया हुआ है, देखो ऐसे 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 ऐसे, ये 12 ये 13 और ये आर लिखा हुआ, ये क्यू ये पी। अब वो क्या कह रहा है कि हमें जो वैल्यू निकालनी है 10p-cot r की वैल्यू, ठीक है। अब तक अगर ये 12 है ये 13 है ये निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, कैसे, इसको मान लो परपेंडिकुलर से मान लो बेस को हाइपोटेन्यूस लगा दो पाइथागोरस, तो पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर, बेस नहीं पता क्यू आर है, बेस कितना है क्यू आर, इसको मिटा दो, यहाँ पे 5 लिख दो। अब फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, ये देखेंगे कि हमें निकालना क्या था, 10p निकालना, 10p
टेन पी की वैल्यू निकालें, टेन पी की वैल्यू, टेन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, पी पे बन रहा है यहाँ पे ये थीटा। अगर एंगल यहाँ बनेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वाली साइड, ये ट्वेल्व जो लिखा हुआ है, ये हो जाएगा हमारा बेस, क्या हो जाएगा बेस, क्योंकि एंगल इधर बन रहा है, तो ये वाली साइड हो गई है बेस, तो ये क्या है परपेंडिकुलर। तो टेन पी, तो टेन पी इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है फाइव और बेस कितना है ट्वेल्व, टेन पी की वैल्यू कितनी आ गई फाइव बाई ट्वेल्व। ऐसे हम क्या निकालेंगे, टेन पी में से कॉट आर माइनस करना है तो कॉट आर की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉट आर का मतलब क्या है, एंगल कहाँ लग रहा है, तो एंगल लग रहा है, एंगल कहाँ लग रहा है, एंगल लग रहा है यहाँ पे, अगर एंगल इधर लग रहा है, आर का मतलब एंगल यहाँ लग रहा है, अगर एंगल यहाँ लग रहा है तो ये हो जाएगा बेस और ये अब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है बी बाय पी, तो बी कितना है फाइव, परपेंडिकुलर कितना है ट्वेल्व, कॉट आर की वैल्यू कितनी थी फाइव बाई ट्वेल्व, हमें निकालना था टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी कितना है फाइव बाई ट्वेल्व है और कॉट आर कितना है फाइव बाई ट्वेल्व है, तो फाइव बाई ट्वेल्व में से फाइव बाई ट्वेल्व गया कितना बचा, ये तो जीरो बच गया, अरे ये तो कुछ नहीं बचा, ये जीरो है, तो जीरो हो गया, कितना हो गया जीरो। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है और जिसको नहीं लेना है तो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दो सो ठीक। अब करना है हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें क्या है, इफ साइन ए, साइन ए की जो वैल्यू है वो थ्री बाई फोर दी हुई है, ठीक है, तो कह रहा है कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो अब इसमें कोई ऐसा कोई झंझट है नहीं, यहाँ पे क्या करो ए इधर लिख लो, बी इधर और सी इधर लिख लो, एंगल क्या है, तीनों का क्या है, कहाँ बन रहा है एंगल, ए पे बन रहा है एंगल, यहाँ बना दो ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होगा कि हमको वैल्यू किसकी दे रखी है, तो हमको वैल्यू दे रखी है साइन ए की, किसकी वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है साइन ए की, किसकी है साइन ए की, साइन ए इज इक्वल टू, साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अब उसकी वैल्यू कितनी थ्री बाई फोर, यानी परपेंडिकुलर थ्री और हाइपोटेनस कितनी फोर, तो परपेंडिकुलर ले लो यहाँ पे, परपेंडिकुलर थ्री और हाइपोटेनस फोर, तो हमें निकालना है ये बेस, ठीक है। तो बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस यूज करें, पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस, हाइपोटेनस की वैल्यू परपेंडिकुलर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस बी स्क्वायर, अच्छा नाइन यहाँ प्लस मीटर जाएगा क्या होगा माइनस, तो क्या हो जाएगा सिक्सटीन माइनस नाइन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सिक्सटीन में से नाइन का सेवन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर टाइम रूट लगा देंगे, बी की वैल्यू कितनी रूट सेवन। अब ये कह रहा है कॉस ए की वैल्यू निकालोगे, तो कॉस ए क्या है, कॉस होता क्या है बी बाई एच होता है, तो बेस कितना है रूट सेवन और हाइपोटेनस कितनी फोर, तो कॉस ए की वैल्यू लगी रूट सेवन बाय फोर। ऐसे अगर मैं क्या किसकी वैल्यू निकालू, टेन ए की वैल्यू निकालू, टेन ए क्या होता है पी बाई बी, तो पी परपेंडिकुलर कितना है थ्री अपॉन में बेस कितना है, बेस देखो रूट सेवन, तो टेन ए की वैल्यू थ्री बाई रूट सेवन और कॉस ए की वैल्यू रूट सेवन बाई फोर। अरे बहुत आसान है एक्सरसाइज 8.1, बाकी क्वेश्चन तुम टपा दोगे हैं मस्त करके, अगर बाकी क्वेश्चन ना आए तो कमेंट करना, ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा, अगर आप लास्ट तक पहुंच चुके हो, आपको सेशन अगर अच्छा लगा है तो अपने बच्चे अपने क्या है दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, इसको लाइक करना।